हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक हैं और मेरी क्लास एंजॉय कर रहे होंगे। कल हम लोग चैप्टर 2 रीड किए थे और उसका वर्ड मीनिंग हम लोग देखे थे, और आप लोग वर्ड मीनिंग रिमेम्बर कर लिए होंगे और कॉपी में लिख लिए होंगे। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 2 फिर से पढ़ते हैं। चैप्टर 2, अ कनिंग कैट। कनिंग मतलब क्या होता है? चालाक। वी शुड नेवर कंसिडर आवर एनिमीज वीक। हम लोग को क्या करना चाहिए? अपने जो एनिमीज होता है उसको वीक नहीं समझना चाहिए। वी शुड नेवर कंसिडर, हम लोग को कभी समझना चाहिए आवर एनिमीज को वीक। हम लोग को अपना एनिमीज को वीक नहीं समझना चाहिए। वंस देयर वॉज ए कनिंग कैट। एक बार की बात है, वंस मीन्स एक बार। देयर वॉज ए कनिंग कैट, एक बार की बात है कि एक चालाक बिल्ली था। वेन ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग यंग कैट ही कॉट मैनी माइस। वेन ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग यंग कैट, जब वो एक मजबूत, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, जब वो एक स्ट्रॉन्ग यंग कैट था, यंग मीन्स जवान, जब वो एक स्ट्रॉन्ग और यंग कैट था, ही कॉट मैनी माइस, वो क्या बहुत सारे चूहे को पकड़ा था। द माइस वेयर एफ्रेड ऑफ हिम देन। द माइस वेयर मतलब जब चूहे क्या थे, एफ्रेड ऑफ हिम, इससे डरते थे। बट इन टाइम ही ग्रू ओल्ड एंड कुड नॉट कैच माइस एनी मोर। बट इन टाइम मतलब अब जो टाइम हो गया है, ही ग्रू ओल्ड, और वो बूढ़ा हो गया है, बड़ा होकर बूढ़ा हो गया, एंड कुड नॉट कैच माइस एनी मोर, और कोई भी चूहा को नहीं पकड़ सकता है। वन डे ही डिसाइडेड टू प्ले ए ट्रिक ऑन द माइस। वन डे एक दिन, ही डिसाइडेड मीन्स डिसाइडेड मतलब निर्णय करता है कि वो एक चालाकी अपनाएगा ऑन द माइस मतलब चूहों पे। एक दिन वो डिसाइड करता है कि वो चूहों पे एक चालाकी अपनाएगा। ही ले ऑन हिज बैक एंड डिड नॉट मूव एट ऑल। वो क्या करता है, वो अपने बैक पे लेट जाता है और थोड़ा सा भी मूव नहीं करता है। ए मॉस सॉ हिम एंड थॉट ही वॉज डेड। ए मॉस सॉ मीन्स एक चूहा देखा उसको, एंड थॉट ही वॉज डेड, और सोचा कि ये मर चुका है। सी रैन टू हर फ्रेंड्स एंड सेड। वो क्या करती है चूहिया, सी रैन टू हर फ्रेंड्स मतलब वो दौड़ के जाती है अपने दोस्तों के पास, एंड सेड, और बोलती है द कैट इज डेड। अब क्या बोलती है कि द कैट मर गई है। कैट क्या है? मर गई है। लेट अस डांस एंड प्ले, और क्या हम लोग डांस करना और खेलना स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल द माइस बिगेन टू डांस एंड प्ले। सारा चूहा क्या करता है, डांस करना और खेलना स्टार्ट कर देता है। दे वेयर वेरी हैप्पी, और वो क्या थे, बहुत खुश हो गए थे। दे डांस एंड डांस राउंड द कैट एंड द कैट डिड नॉट मूव। वो क्या करते हैं, बिल्ली के चारों तरफ डांस करते जाते करते जाते करते जाते, पर बिल्ली, द कैट डिड नॉट मूव, और बिल्ली थोड़ा सा भी नहीं मूव हिलती है। देन वन ऑफ द माइस जम्प ऑन द कैट्स हेड, और क्या करती है, एक चुहिया की उसके सिर पे जाकर कूद जाती है। लुक एट मी, कम नियरर ऑल ऑफ यू, और क्या बोलती है कि सब लोग मेरे पास आओ, मेरे तरफ देखो और मेरे पास आओ, ऑल ऑफ यू, सब कोई। द बैड कैट इज डेड, और ये जो बुरी बिल्ली है वो मर चुकी है। लेट अस डांस ऑन हिज हेड, और हमको क्या करना चाहिए, इसके सिर पे जाके डांस करना चाहिए। बट सडनली द कैट जम्प अप एंड कॉट द सिली मॉस। और सडनली क्या होता है, अचानक द कैट जम्प, और कैट क्या करती है, जम्प करती है और उस चूहे को पकड़ लेती है। सिली मिस मूर्ख चूहे को पकड़ लेती है। द अदर माइस रैन अवे एज क्विकली एज दे कुड, और दूसरी चूहिया क्या करती है कि वो लोग जंप करके भाग जाती है। द अदर माइस रैन अवे एज क्विकली एज दे कुड। द अदर माइस रन अवे एज क्विकली एज दे कुड, और बाकी चूहिया क्या करती है, जितना जल्दी हो सकता है वहां से भाग जाती है। तो हमें मोरल ऑफ स्टोरीज क्या पता चलता है कि हमें अपने दुश्मन को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, और किसी चीज़ को हम लोग को जल्दी डिसाइड नहीं करना चाहिए। फिर
से मैं आपको एक पूरा स्टोरी ब्रीफ में बताता हूँ। एक बार की बात है, एक बहुत ही चालाक बिल्ली थी, जो क्या थी, बहुत स्ट्रांग थी जब वो जवान थी, बट जब वो बूढ़ी हो गई तो वो कोई भी चूहा को नहीं पकड़ पाती थी। तो एक दिन वो डिसाइड करती है कि वो एक चालाकी अपनाएगी इन चूहों पे, और वो अपने बैग पे जाकर लेट जाती है और थोड़ा सा भी मूव नहीं करती है। जब चूहे देखते हैं बिल्ली को कि बिल्ली थोड़ी सी भी मूव नहीं कर रही है, तो वो सोचते हैं कि ये बिल्ली मर चुकी है। और वो क्या करते हैं, सारे दोस्तों को बताते हैं, अपने चूहे दोस्तों को, कि बिल्ली मर चुकी है। और वो लोग क्या करते हैं, डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्ली के चारों तरफ वो लोग डांस करना स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं कि बिल्ली मर चुकी है। उनमें से एक चूहिया बिल्ली के सिर पर जंप करती है और बोलती है कि देखो देखो, ये बिल्ली मर चुकी है और हम लोग इसके सिर पर डांस करते हैं। बट क्या होता है, तुरंत बिल्ली उठती है और उस मूर्ख चूहिया को पकड़ लेती है। फिर सारे चूहिया भाग जाते हैं देख के कि ये बिल्ली चूहिया को पकड़ ली है। अब आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग जो पेज नंबर 10 में फिल इन द ब्लैंक्स है उसको बनाइएगा, पेज नंबर 11 भी बनाइएगा आप लोग, और पेज नंबर 12 भी बनाना है। सब कुछ आप लोग बुक में बनाइएगा, अगले क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। आप लोग बुक में ही ठीक करके उसको लिख लीजिएगा अगर कुछ गलती हुआ है आपसे। सारे गार्जियन से रिक्वेस्ट होगा कि पेज नंबर 10, 11 और 12 अपने बच्चों के बुक में ही बनवाएं, और कल हम डिस्कस करेंगे। उस समय आप चेक कर लीजिएगा कि बच्चे सही बनाए हैं कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।